मोदी ब्रिक्स समिट के लिए साउथ अफ्रीका रवाना। जिनपिंग के साथ बैठक पर सस्पेंस। संगठन का मेंबर बनने की रेस में पाक सऊदी समेत 40 देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी मंगलवार को 15वें ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं। वो भारतीय समय के मुताबिक शाम करीब 5:15 पर साउथ अफ्रीका पहुंचेंगे। पीएम मोदी 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में रहेंगे। इस दौरान वो कुछ सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी के साथ एक बिजनेस डेलीगेशन भी जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने 21 अगस्त को ये जानकारी दी है। इससे पहले पीएम मोदी जुलाई 2018 में साउथ अफ्रीका गए थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी BRICS समिट में शामिल होंगे। ऐसे में पीएम मोदी की उनसे मुलाकात हो सकती है। दरअसल ब्रिक्स समूह में भारत के अलावा चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील भी शामिल है। पीएम मोदी इसके बाद 25 अगस्त को ग्रीस के दौरे पर जाएंगे। 14 साल पहले 2009 में बने समूह ब्रिक्स की बैठक इस बार काफी अहम मानी जा रही है। इसकी एकमात्र वजह इस संगठन का सदस्य बनने के लिए मची होड़ है। लगभग 40 देशों ने संगठन में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। इसमें सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान और ईरान भी शामिल है। इस बार की बैठक का सेंटर पॉइंट समूह का विस्तार ही होगा। हालांकि इसके 5 सदस्य देशों के बीच अभी इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। सम्मेलन के बाद अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग किया जाएगा। इसमें दक्षिण अफ्रीका की ओर से आमंत्रित अन्य देश शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विनय कवात्रा के मुताबिक ब्रिक्स समिट में ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, जियोपॉलिटिकल चैलेंज और काउंटर टेररिज्म पर बातचीत की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, CG लाइव।